नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गौहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गौहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गौहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गौहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गौहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गौहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गौहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गौहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गौहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गौहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गौहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गौहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे,
मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान
माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे ऐशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे ऐशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे ऐशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे ऐशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है,
उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो नाजरीन, क्या गौहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन, आप देखेंगे जब गौहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गौहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गौहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो नाजरीन, क्या गौहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन, आप देखेंगे जब गौहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गौहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गौहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो नाजरीन, क्या गौहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन, आप देखेंगे जब गौहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गौहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गौहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो नाजरीन, क्या गौहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद
मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी। और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी। और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी। और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी। और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान
माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे ऐशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे ऐशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे ऐशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे ऐशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है,
उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो नाजरीन, क्या गौहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन, आप देखेंगे जब गौहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गौहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गौहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो नाजरीन, क्या गौहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन, आप देखेंगे जब गौहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गौहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गौहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो नाजरीन, क्या गौहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन, आप देखेंगे जब गौहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गौहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गौहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। तो नाजरीन, क्या गौहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन, ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी, और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद
मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी। और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो। नाजरीन ड्रामा सीरियल दिले मोमिन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे माया खुद आशी की शादी मोमिन से करवा देगी। और जब मोमिन आशी के साथ बाहर जाने लगेगा उसी दौरान माया के हाथ जलती हुई माचिस की तीली गिरेगी और आशी के कपड़ों को जा लगेगी। जब मोमिन वो आग बुझाएगा तो वो माया पर खफा होगा, मगर वो अच्छी तरह जानता है कि माया ने ये जानबूझकर नहीं किया। इसी दौरान मोमिन की वालदा भी मोमिन को समझाएगी कि तुम माया का हक कभी तलफ मत करना, हो सके तो दोनों में इंसाफ करना। और आप देखेंगे आशी और मोमिन की शादी के बाद माया मोमिन का कमरा भी छोड़ देगी और खुद मोमिन की वालदा के पास रहना शुरू कर देगी। और जब मोमिन की माँ ये जानने की कोशिश करेगी कि तुमने अपना कमरा क्यों छोड़ दिया, जिस पर माया मोमिन की माँ से कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मोमिन अपनी मोहब्बत के साथ अपनी जिंदगी गुजारे, मुझे सिर्फ मोमिन का नाम ही काफी है। और नाजरीन आप देखेंगे जब गोहर माया के घर आएगा तो मोमिन की बहन गोहर को पहचान लेगी कि ये वही लड़का है जिसने उसे धमकी लगाई थी। तो माया खुद उसे समझाएगी कि गोहर ऐसा नहीं है, उसने जो कुछ किया वो जाने अनजाने में किया होगा, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। तो नाजरीन क्या गोहर माया का दोबारा से पीछा शुरू कर देगा या फिर माया के रास्ते से हट जाएगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।